अगर अपने YouTube चैनल को फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 2022 में अपने चैनल को फास्ट ग्रोइंग पे ऑटो मोबाइल पे या ऑटो पायलट पे सेट कर सकते हो। कैसे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना चैनल जल्दी से ग्रो कर सकते हो। भाई, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस पे आपने एक तो अमल करना है और दूसरा इसको सीखने के लिए, सुनने के लिए आपके पास YouTube का कम से कम 6 माह का तजर्बा होना चाहिए, 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्रिएटर। तो तब ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे और तब ही आप इस वीडियो के मुताबिक अमल कर पाएंगे और आप जल्दी से फास्ट को कर सकते हैं। इस तजर्बे पे अमल करके, इस एक्सपेरिमेंट पे अमल करके बहुत सारे लोग अपने चैनल को फास्ट ग्रोइंग चैनल बना चुके हैं। 10 से 15 दिन के अंदर या 20 से 30 दिनों के अंदर वो लोग मिलियंस तक भी पहुंच जाते हैं अगर ये तरीका अपनाओगे। ये बिल्कुल हवा में बातें नहीं कर रहा, ये बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा हो चुका है, फैक्ट है। तो इस चीज़ को समझो, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, इसमें आपका जो YouTube का एल्गोरिथम है उसको समझने में आप गलती कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं जो शायद जल्दी ग्रो नहीं होती। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अगर पकड़ोगे तो जल्दी से ग्रो कर जाओगे। अच्छा जी, मेरे अपने चैनल को ग्रो होते होते टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो अपने तजर्बे में बता रहा हूँ कि जब तक आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स, आपका वॉच टाइम बिल्कुल उसी तरह ग्रो होता रहेगा जिस तरह लॉन्ग वीडियोज़ का होता है। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम लॉन्ग वीडियोज़ के लिए अलहदा है, शॉर्ट के लिए अलहदा है, बेसिकली एक ही, लेकिन वो रिस्पॉन्ड दोनों वीडियोस को अलहदा अलहदा करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने फोकस करना है शॉर्ट्स पे, YouTube शॉर्ट्स पे। अब YouTube शॉर्ट्स अगर इसी लॉन्ग वीडियोस चैनल पे बनाओगे तो वो आपकी लॉन्ग वीडियोस के इम्प्रेशन भी कम कर देगा और शॉर्ट्स के इम्प्रेशन भी कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका चैनल डेड होने का खदशा मौजूद है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपना एक नया चैनल बनाओ, अगर YouTube पे ग्रो करना है तो नया चैनल बनाओ और उस पे खास और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बनाओ। शॉर्ट्स वीडियो बनाओगे, आपके पास बहुत से हजारों नहीं लाखों में सब्सक्राइबर्स आएंगे अगर कंसिस्टेंसी से बनाओगे। एक प्रो टिप है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वो आपको मैं दूंगा, अगर आप नहीं देखते तो क्या कर सकता हूँ। आपको ये पता है कि शॉर्ट्स पे आपने थंबनेल नहीं लगाना, क्योंकि शॉर्ट्स फीड में आएगा या शॉर्ट पैनल पे आपकी जब वीडियो आएगी तो वो सिर्फ सामने वीडियो ही आती है स्वाइप करने से, और ऐसा करने से आपकी वीडियो के ऊपर अगर कोई टैग वगैरह लिखा हुआ है जो उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी तरीके से लिखा हुआ है तो वो ही आपका एज ए थंबनेल इस्तेमाल होगा। यानी कि वीडियो आपने लगाई हुई है, उस वीडियो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो इस चीज़ को एज ए थंबनेल आप इस्तेमाल करेंगे, वो कैची लिखना है आपने। ये तो हो गया पहली टिप। अब जो प्रो टिप दे रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी वीडियो ना भी बनाओ, नहीं बनाते वीडियो कोई मसला नहीं है, आप किसी की वीडियो उठा के उसके अंदर से उसकी समरी निकाल के, अब ये आपने ज़रूर देखना है, आपने टाइम निकालना है, टाइम निकाल के उसकी वीडियो पूरी देखनी है और पूरी देख के उसके अंदर से जो चीज़ें आपको सही मेन मेन पॉइंट्स लगते हैं वो आपने उठा के एडिट करके, इकट्ठा करके और उस वीडियो को एडिट करके अपनी शॉर्ट्स पे डालना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कॉपीराइट क्लेम आएगा या नहीं आएगा। तो ज़रूर आएगा, वो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम कर देगा। अब कॉपीराइट क्लेम से बचना कैसे है? कॉपीराइट क्लेम से बचने के एक ही तरीका है कि आप उस शख्स की ऑडियो यूज़ नहीं करेंगे, उसके छोटे छोटे क्लिप्स यूज़ करें और उनको वॉइस ओवर करें। यानी कि आप पीछे बोलें, वीडियो उस शख्स की आगे चल रही हो, वो जो फैक्ट्स बता रहा है वो फैक्ट्स आप बता दें अपने मुंह से। और जब आप ये कर देंगे तो फिर उसके बाद आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस शख्स को
क्रेडिट लाजमी दें। जब आप क्रेडिट देंगे और उस शख्स को आपसे फ़ायदा भी होगा तो ऐसे में वो शख्स आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेगा। अगर भेजेगा भी तो किसी पॉलिसी के तहत आप बच सकते हैं, यानी कि कॉपीराइट का मसला आपको पेश नहीं आने वाला शॉर्ट्स में। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर, तो आपका चैनल जल्दी से ग्रो हो सकता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे ही कर रहे हैं, वीडियोस उठा रहे हैं, मूवीज़ को उठा रहे हैं, मूवीज़ में से छोटे 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 क्लिप्स बना के लोगों को दिखा रहे हैं और टन्स ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं, टन्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं और उनके चैनल मोनेटाइज भी हो रहे हैं और उनको अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कैसे कमाएंगे, हमने तो पैसे कमाने के लिए लॉन्ग वीडियोस वाला चैनल बनाया है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अगर नहीं तो यूट्यूब भरा पड़ा है कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और हाँ, इन एडवांस आपको मैं ऐसी ही एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट्स से स्पेशली किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को लाजमी देख लो, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इस वीडियो की वजह से आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिटेन कर सकते हो, या आपके पास अगर सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो रहे तो आप जल्दी से हासिल कर सकते हो।